कौम इस वक्त डार साहब मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाता हूं जो आज मैंने बनवाई है स्पेशली आज के दिन के हिसाब से, और आप तो खैर बहुत एंजॉय करेंगे। मुसद्दिक साहब बहुत वार्म वेलकम, खास तौर पे ये आपके लिए। लो जी, जो पीएमएलए ने नैरेटिव बनाया था, सबसे पहले पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को करप्ट कहने वाली ना फौज थी भड़ भड़ के आगे, ना इमरान खान साहब थे, वो थे शहबाज शरीफ और नून लीग। और आज जब हलफ ले रहे थे शहबाज शरीफ साहब उरी बिलावल भुट्टो से, तो मुझे अपना वो लाहौर कॉली फॉर वुमेन में शो जो रिकॉर्ड हुआ था शहबाज शरीफ साहब का, वो याद आ गया। इसको मैंने मिलाया है हलफ के साथ, जरा आप भी इंजॉय करें। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा दें। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक उन्होंने लपकुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। कि बहैसियत वफाकी वजीर मैं अपने फराइज दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, सियासी मुनाफकत कहें, सियासी यू टर्न कहें, या ये कहें कि नहीं जमहूरियत ने क्योंकि आगे चलना है, सिर्फ इफ्तिखार साहब कह रहे हैं उसे आगे चलना है, नेक्स्ट जनरेशन में तो ठीक है भूल जाएं अभी जो माजी भी गुजरा है। जी मेरे ख्याल में इस तमाम गुफ्तगू का अहाता तो खुद भी कर चुके हैं शहबाज शरीफ साहब, और वो ये कह चुके हैं कि कुछ गुफ्तगू जो थी वो बड़ी सख्त हुई थी और नहीं होनी चाहिए थी, और इसी किस्म की गुफ्तगू के नतीजे के अंदर एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई कि अगर हमने मुल्क के अंदर जमहूरियत को लेकर आगे चलना है तो हमारे सियासी इख्तलाफात रहेंगे, और बाज़ मरतबा हम जब तकरीर कर रहे होते हैं तो हम सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोग कोई मुल्क दुश्मन तो नहीं है। जिस तरह अभी इस ज़माने में हो रहा है कि अगर 197 लोग जो बाएं तरफ बैठे हुए हैं उनको गद्दार कहा जाए और ये कहा जाए कि इनको असेंबली में वोट देने का हक नहीं, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। डार साहब, ये जो खत लिखा है जो फरमा रहे हैं मुसद्दिक साहब, ऐसे इकबाल साहब ने बड़ी गुड स्पिरिट में, तो क्या तरक्याती पाकिस्तान की तरक्की के लिए जिस तरह इन्होंने पीपल्स पार्टी को गले से लगा लिया इस मुल्क की तरक्की के लिए, तो आप गले तो नहीं लगा रहे ना, आप काबीना में जा रहे हैं उनकी, लेकिन क्या आप इतना कर सकते हैं कि खत का जवाब दें कि साहब बैठ के कोई तरक्याती कामों पर बात की जाए? देखें हमारा जवाब यही है कि हमें कोई शौक नहीं मिल बांट के खाने का। इनका ख़त भेजने का पाकिस्तानियों मकसद ये है, आओ सारे रल के लुटिए, सारे रल के खाइए, इमरान खान को भी साथ मिलाओ, जरदारी को तो मिला लिया है, अली बाबा 40 चोरों की ये जो कैबिनेट है, ये अली बाबा 40 चोरों की कैबिनेट, इनको मुबारक हो। 26 जो हैं वो ऑलमोस्ट इश्तिहारी हैं, जमानतों पर बाहर है। मैं आपके प्रोग्राम से कामरान जी, PMLN और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, क्या खुदारा उन वर्कर्स के घरों में जाएं जिनकी माओं के अपने लाल इनकी सियासी रंजिशों में प्यारे हो गए, लाखों लड़ाई मार कटाई, घरों को आग लगाई, पीपल्स पार्टी वालों के, नून लीग वालों के गली मोहल्लों में वर्करों ने कुर्बानियां दी दोनों जमातों ने। कहा था प्लीज होल्ड कीजिएगा, मैं बड़ा आपका एहतराम करता हूँ, प्लीज जरा मुझे बोलने दे। तो यार आप उन लोगों के घरों में जाए, उनसे माफी मांगे, ऊपर बैठ के लीडरशिप ऐसे मिल गई है पाकिस्तानियों, ये दोनों जमातों के लीडर करप्ट लीडर कामरान ऊपर बैठ के ऐसे मिल गए हैं। नीचे वर्कर्स ने लड़ मर जानों के नजराने पेश कर दिए, उनके घरों में जाएं, माफी मांगे उन वर्कर्स से जिन्होंने गली मोहल्लों में आपस में माफी मांगनी चाहिए। इन्होंने पीपल्स पार्टी नून लीग वालों को एक ये पैगाम है मेरा आज। देखे बात यह, मैंने अपने दोस्त उस्मान डार साहब की सारी बात सुनी है। इस गुफ्तगू के बाद तो उस्मान डार पे फ़र्ज़ है कि वो कभी मेरे साथ बैठकर चाय ना पिए। जो गुफ्तगू उन्होंने की है उसके बाद क्या हक पहुंचता है मुझे कि मैं इनके साथ बैठूं और शाम को चाय पीऊं?
ये कितनी अजीब बात है कि ये टेलीविजन पे बैठ के मैं तो कतराता हूँ, आप कहीं नजर आ जाते हैं चाहे क्यों भी नहीं है यार। मैं माफी चाहता हूँ, तकाजा है डर भाई, ये तो आपने ज्यादा वाली स्टेटमेंट दिया है। आप नून लीग वाले जहाँ बैठे होते हैं मैं इधर निकल जाता हूँ, कोई बात नहीं कि मुझे शर्मिंदा नहीं होना पब्लिक में आपके साथ खड़े हो गए। आप आ जाए मेरे पास, कोई मसला नहीं है, मैं नहीं आता, फिक्र नहीं करें। आप सर ये ज्यादती है, डार साहब ये ज्यादती है, तसल्ली से बात करें। मुसद्दिक साहब एक डिसेंट आदमी है, डार साहब बात ये है कि अपने आर्गुमेंट मेरे। अच्छा मुसद्दिक साहब पहले कंप्लीट करेंगे, ऐसी बात सर उनको बात तो करने देना, ऐसी बात ना करें। मैं ये समझता हूँ कि डार साहब को आज के बाद मेरे साथ बात नहीं करनी चाहिए, मेरे साथ प्रोग्राम नहीं करना चाहिए, गाली गलोच करनी चाहिए जहाँ नजर आए, बेशक निकालें गाली। ये दो टू फेस्ड आदमी हैं जो जब हमें बाहर मिलते हैं तो कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, और बड़ी इज्जत के साथ मिलते हैं। और आज टेलीविजन पे जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, इसके बाद क्या हक पहुंचता है मुझे कि मैं इनसे मिलूं या ये मुझसे मिले? मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं, अगर आप आराम से बात सुने, आराम से बात सुने, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है, तसल्ली से बात सुने। डार साहब आप अकेले नहीं इस प्रोग्राम में आए हुए, ठीक है? और आप बिला वजह ये आराम से आप शराफत को कमजोरी समझते हैं, ये बहुत बुरी बात है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बात करने का, ना आपसे हाथ मिलाने का, ना आपकी बेगम को अपनी भाभी और अपनी बहन कहने का, कोई मसला नहीं है। अगर आपको नहीं मिलना है तो मुझे भी नहीं मिलना है। इस वजह से जरा आप ध्यान कीजिए और कोई इज्जत से बात करे और शराफत से बात करे तो उसे कमजोरी मत समझें, और उस कमजोरी का फायदा उठा के यहां पर थिएटर मत लगाएं। आपको नहीं मिलना, हमें भी नहीं मिलना। आपको शर्म आती है, हमें आपसे मिलने में शर्म नहीं आती। मैं आपको बुरा आदमी नहीं समझता, लेकिन अगर आपकी खुशी नहीं तो मेरी भी खुशी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। आप बड़े आदमी हैं, अल्लाह आपको और इज्जत दे, जितनी आपके पास है इससे ज्यादा आपको इज्जत दे। हमें आपकी इज्जत बढ़ेगी तो सिर्फ खुशी होगी, दैट्स इट। राइट डार साहब, डार साहब अब थोड़ा सा आप बड़ा बड़ा आला जरफी का मुजाहरा किया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक के बारे में। जी जी बोले, आप बोले, आपकी आवाज पहले नहीं आ रही, मैं उनको सुनवा रहा था। बजाय कि अपने वर्कर, अपने देखो अपने वर्कर को ड्रेस करें, मुझे कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक जैसे बंदे से हाथ मिलाने की पाकिस्तानी जैसे बंदे से, ऐसे ही अपने नंबर बढ़ाने के लिए जो स्मार्ट डॉर में सब करता है। और भाई अपने वर्कर के सामने शर्मिंदा हो यार, तो डार साहब ये थोड़ी आप ज्यादती कर रहे हो, टीवी पे नहीं वर्कर से माफी मांगो। देखो टीवी टॉक नहीं है, टीवी की दुकान है। डार साहब आप इस तरह क्यों कह रहे हैं आज? तो आप आज से पहले आपने कभी इस तरह नहीं कहा यार, या क्या हो गया आज आपको? उस्मान भाई मुसद्दिक मलिक साहब एक बड़े डिसेंट आदमी, आपका इनसे पॉलिटिकल इख्तलाफ हो सकता है। थका हुआ आर्गुमेंट, मुझे पहले ये बताएं, मैं इनको ये कह रहा हूं कि भाई जो पीपल्स पार्टी के नाम पे अपने वर्कर मरवाए, लड़ाइयां कराई, जो तुम लोगों ने एक इंतजार की सियासत की माजी में 90 की दहाई से शुरू हो जाए, तो उन वर्कर्स के घरों में जाए, उनसे माफी मांगे आज जो किया इन लोगों ने। दूसरी तरफ भट्टो की रूह तड़प उठी है कि शहबाज शरीफ का वजीर खारजा बन गया बिलावल। मैं और क्या कह रहा हूं, वो मेरे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।